अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये मेन पुल है जो कि कराची और बलूचिस्तान को मिलाती है। और मैं तो एक आम शहरी हूँ, मेरा यहाँ से गुज़र हुआ तो मेरी नज़र पड़ी कि ये देखें कि पुल के नीचे जो इसके पुश्ते लगे हुए हैं, पिलर जो हैं, ये बिल्कुल टूटने के करीब हैं। अगर इस पुल पे 40-50 गाड़ियाँ इकट्ठी जमा हो जाएंगी तो मुझे 100% चांस है कि ये पुल गिर जाएगी। और जब पुल गिर जाती है तो फिर हम देखते हैं कि जी सब इदारे पहुंच जाते हैं, एडी साहब भी आ जाते हैं, तो हुकूमती इदारे भी आ जाते हैं। अब हम आपसे ये मुतालबा करते हैं कि इसको क्यों नहीं आप जो है ना वो निशानदेही इसकी क्यों नहीं करते, मीडिया वाले दूसरे तीसरे क्यों नहीं कर रहे? क्या हमें किसी साने का इंतज़ार है, उसके बाद ही जो है ना ये काम करना होता है? तो आपको, आप खुदारा हकाम बाला से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप इस मसले को सीरियस लें और इसको देखें आके कि ये पुल जो है ना बिल्कुल गिरने के करीब है। खुदारा ऐसा ना हो कि 50-60 कीमती जाने जाया और फिर आके ये काम हो तो फिर कुछ मुनासिब नहीं होता। मैं मीडिया मालकान और दूसरे जो भी हमारे एंकर परसाना जो इदारे हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेहरबानी करें और आके इसको देखें। ये मेन हब चौकी पुल, उसके नीचे ये जो पानी जा रहा है जहाँ से ये जो पिलर है नीचे, ये देखें आप इनको कि बिल्कुल खस्ता हाल हैं और टूट चुके हैं, टूटने के करीब हैं। मेरी तमाम हकाम से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इसको फौरन फिलफौर इस पर काम किया जाए, ऐसा ना हो कि हम बाद में जो है ना फिर पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। बहुत शुक्रिया।